वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस बार फिर से इस नए चैप्टर के साथ हम इस वीडियो में आपके सामने उपस्थित हैं और लेकर आए हैं आपके बुक का तीसरा चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी कि उड़ने के बारे में दो कहानियां। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट हैं, दो कहानियां हैं, दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग दृष्टांत हैं जिसके अंदर कहानी बताई गई है उड़ाई उड़ने के बारे में, फ्लाइट के बारे में। और इसका जो पहला हिस्सा है वो लिखा है हिज फर्स्ट फ्लाइट लियाम ओ फर्टले ने, और दूसरा जो हिस्सा है वह है ब्लैक एरोप्लेन, वो फ्रेडरिक फ्रेस्टी ने लिखा हुआ है। तो इसके पहले चैप्टर को फर्स्ट His first flight को आज हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में देखेंगे और देखते हैं इसके सारे हार्ड मीनिंग्स को, इसके ट्रांसलेशन को, और इसको हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स हो जाइए तैयार, हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी के द्वारा क्या बताया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कहानी है एक पक्षी की, एक छोटे पक्षी की जो उड़ना अभी तक सीखा नहीं है, अभी तक वह पहली बार उड़ा नहीं है। वह अब इतना बड़ा हो चुका है कि वह उड़ सकता है, लेकिन अपने पहली ही फ्लाइट को, यानी कि अपनी पहली ही उड़ान को वह उड़ने में डर महसूस करता है। हालांकि उसके भाई बहन जो हैं वह उड़ चुके हैं, जो उसके साथ में उसके भाई बहन हैं वह अपनी पहली उड़ान को पूरा कर चुके हैं, लेकिन वह पक्षी उड़ने से कतराता है, उसे डर महसूस होता है। और किस प्रकार से उसके माता पिता और उसके भाई बहन उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसे डांटते हैं, उसे दुत्कारते हैं, और इसलिए कि वह उड़ सके, और किस प्रकार से वो अपनी पहली उड़ान को पूरा करता है, इस कहानी में हमें लेखक ने बड़े ही स्पष्ट रूप से बताया है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इस कहानी को कि इसमें किस तरह से उस डर के ऊपर काबू पाना सिखाया है जो कि उसे, उस पक्षी को अपनी पहली उड़ान लेने से रोक रहा था। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा है यहाँ पे, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, युवा सीगल अपनी लेज के ऊपर अकेला था। सीगल समुद्री काक को कहते हैं, समुद्री काक समुद्र में रहने वाला कौवा जिसे हम लोग काक भी कहते हैं, उसे सीगल कहा जाता है। और वह अपनी लेज पर, लेज मतलब एक ऐसा किनारा, चट्टान का एक ऐसा किनारा जहां पर दरार हो, ठीक है, उसे हम लोग लेज कहते हैं, ठीक है। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर, उसके दो भाई और उसकी बहन पहले से ही एक, यानी एक दिन पहले से ही उड़ गए थे। फ्लॉन अवे मतलब उड़ गए, मैं यहां लिखता हूं आपके लिए उड़ गए। आगे देखिए, he had been afraid to fly with them, वह उनके साथ उड़ने से डर रहा था। afraid का मतलब होता है डरना, डरना। आगे देखिए, somehow when he had taken a little run forward to the brink, किसी प्रकार से जब उसने उस लेज के किनारे की तरफ दौड़कर उड़ना चाहा, and attempt to flap his wings, और अपने पंखों को फड़फड़ाना चाहा, He became afraid. वह डर गया। यहाँ पर मैं मीनिंग लिखता हूं आपको, आपके लिए। यहाँ पे देखिए, ब्रिंक, ब्रिंक का मतलब होता है किनारा, चट्टान का जो किनारा था, जिस चट्टान के ऊपर वह रुका हुआ था उसका किनारा, ठीक है, यानी लेज का। ऑलरेडी मैंने आपको लेज का वहां पे बता रखा है मीनिंग। आगे देखिए, फ्लैप का मतलब होता है फड़फड़ाना, फड़फड़ाना। आगे देखेंगे, विंग्स का मतलब है पंख, पंख, उड़ने वाले पंखों को विंग्स कहते हैं। अफ्रेड मतलब डरना, अफ्रेड का अर्थ होता है डरना, मैं वहां ऑलरेडी लिख चुका हूं आपके लिए। देखिए आगे देखिए, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, एक बड़ा समुद्र नीचे की ओर फैला हुआ था। एक्सपेंस का मतलब होता है फैलना या फैलाव, ठीक है, और ये फैलाव किसका है भाई, ये फैलाव है समुद्र का, सी का, ठीक है। और स्ट्रेच मतलब वह यहां पर क्या हुआ है, आगे तक फैला हुआ है, वो जो समुद्र का फैलाव है वो क्या है, फैला हुआ था, ये वर्ब है और वह
नाउन है भाई, ठीक है, ये वर्ब है और वह नाउन है, ये अंतर है। नेक्स्ट बिनीत, बिनीत का मतलब होता है नीचे, ठीक है, जहां पर चट्टान के ऊपर वह पक्षी था उसके नीचे समुद्र फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और यह बहुत नीचे था, कितना नीचे था, माइल्स डाउन, मीलों नीचे तक था, यानी चट्टान जो थी वो बहुत ऊंची थी और जब नीचे देखा तो समुद्र फैला हुआ है। आगे ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसे इस बात का निश्चय एहसास हो गया, महसूस हो गया, फेल्ट मतलब महसूस हुआ, यहां मैं आपके लिए लिख देता हूं महसूस हुआ या महसूस किया, ठीक है, और सर्टेन मतलब निश्चय, यहां पर लिखता हूं मैं आपके लिए इस मीनिंग को निश्चय, निश्चय, देखिए आगे क्या लिखा है कि उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, इसलिए उसने अपने सर को फिर से क्या कर लिया, बेंट कर लिया, घुमा लिया, ठीक है, बेंट मतलब घुमा लिया, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, देखिए घुमा लिया, और वापस से उस छोटे छेद जो कि उस चट्टान में बना हुआ था दौड़ गया जहां वह पूरी रात सोया था, स्लेप्ट मतलब सोया या सोना, सोने की सेकंड फॉर्म है सोया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन रैन टू द ब्रिंक फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, यहां तक कि उसका प्रत्येक भाई और उसकी छोटी बहन जिनके पंख उसके पंखों की तुलना में कैसे थे, छोटे थे, वह भी किनारे तक दौड़े, अपने पंखों को फड़फड़ाया और उड़ गए। ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज, वह उस ऊंट उस कूद को लगाने में अपने साहस को इकट्ठा करने में क्या हो गया, असफल हो गया था, ठीक है। मस्टर मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, ठीक है। करेज का अर्थ है साहस, करेज अर्थ है साहस, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, प्लंज मतलब कूदना, प्लंज का अर्थ है कूदना। नेक्स्ट एक और वर्ड है यहां पे देखिए, शॉर्टर, शॉर्टर का अर्थ है छोटे, तुलनात्मक रूप में, ठीक है, जब हम तुलना करते हैं तब शॉर्टर लिखेंगे, नहीं तो क्या लिखेंगे, शॉर्ट लिखेंगे। आगे देखिए क्या लिखा है, विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, जो उसे बड़ा ही मुश्किल लगा, किसे मुश्किल लगा, उस छोटे सीगल को, उस हालांकि वो छोटा नहीं था, अपने भाई बहनों में क्या था, बड़ा था, लेकिन उसकी पहली ही वह उड़ान थी। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। स्क्रीनशॉट लेने से आप इन सब मीनिंग्स को नोट भी कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। देखिए आगे क्या लिखा है, यहां लिखा है हम अगले पैराग्राफ में, देखिए, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसके माता पिता उसकी चारों तरफ उड़ते हुए उसे डांटते हुए आए। श्रीली मतलब क्या होता है, कॉलिंग का मतलब यहां क्या है, डांटने से, श्रीली मतलब कठोरता से, ठीक है, यानी डांटना डपड़ना कठोरता से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, अपब्रिडिंग हिम यानी उसको फटकारना, फटकारना, फटकार रहे थे, किस लिए, क्योंकि वह उड़ नहीं रहा था। थ्रेटनिंग यानी चेतावनी देना, चेतावनी देना या धमकी देना, ठीक है, दोनों ही बातें हैं, दोनों ही शब्द के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखें, टू लेट हिम स्टव ऑन हिज लेज, कि उसे उस चट्टान के ही ऊपर भूखा मरने देंगे, स्टव का मतलब होता है भूखा मरने देना, यानी देते हैं भूखा रखना, ठीक है, क्योंकि जब वो खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, भूखा मर जाएगा। अनलेस ही फ्लू अवे, तब तक जब तक कि वह उड़ेगा नहीं, ठीक है। आगे देखें, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, परंतु जीवन के लिए वह नहीं उड़ा, मतलब उसे डर था कि अगर मैं कूदूंगा तो मैं उड़ नहीं पाऊंगा और मर जाऊंगा, तो अपने जीवन को बचाने के लिए वो क्या हुआ,
हिला नहीं वहां से, वह वहां से उड़ा नहीं। ठीक है, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ऊपर करते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, यहां पर अब हमारा अगला पैराग्राफ शुरू होता है और हम इसको कंटिन्यू करते हैं। लिखा है दैट वॉज 24 आवर्स अगो, यह 24 घंटे पहले की बात थी। Then, since then, nobody had come near him. तब से कोई भी उसके पास नहीं आया था। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister. वह अपने माता पिता के साथ अपने भाई बहनों को उड़ते हुए एक दिन से पहले, यानी एक दिन हो गया उसको उड़ते हुए, क्या कर रहा था, देख रहा था। He had watched his यहां देखिए आगे, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उन्हें उड़ने की कला में पूर्ण होते हुए देख रहा था। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और उनको बता और देख रहा था कि कैसे उसके माता पिता उसके भाई बहनों को उड़ने की कला सिखा रहे हैं कि हवा के ऊपर किस प्रकार से क्या किया जाए, सवार हुआ जाए। स्किम का मतलब होता है उड़ने की एक कला, ठीक है, जैसे कि सरफेस के यानी पानी की सतह के ऊपर उड़ना, सतह से बचते हुए यानी उसको टच हुए बिना जब उड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, स्किम होना। ठीक है, द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस प्रकार से मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गोता लगाना। डाइव का मतलब होता है गोता लगाना, यहां पर मैं आपके लिए लिखता हूं गोता लगाना। देखिए आगे क्या लिखा है, He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. उसने देखा, उसने अपने बड़े भाई को अपनी पहली मछली को पकड़ते हुए और उसे टुकड़े करते हुए देखा। ठीक है, डिवो ये हेरिंग क्या है, हेरिंग एक मछली की प्रजाति है भी जो कि समुद्र में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखें, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, जो एक चट्टान पर खड़ा था, while his parents circled around raising a proud cackle, जबकि उसके माता पिता उसके भाई के चारों तरफ उड़ रहे थे और बड़े गर्व से कैकल कर रहे थे। कैकल का मतलब क्या होता है, शोर मचाना, यहां पर क्या लिखेंगे, शोर, शोर मचाना। जब एक छोटा बच्चा हंसता है तो उसकी आवाज को क्या कहा जाता है, कैकल कहा जाता है, लेकिन यहां पर उन पक्षियों के लिए आया है जो कि जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कॉडिक, और पूरी सुबह यानी पूरा सुबह भर है ना, सुबह का जो भी समय था उस पूरे टाइम में पूरा परिवार उस चट्टान के सामने स्थित एक पठार पर घूम रहा था, मतलब वो वहां पे चहल कदमी कर रहे थे और उस युवा सीगल की कायरता पर, कायरता पर क्या कर रहे थे, टॉन्ट कर रहे थे, यानी कि ताने मार रहे थे। टॉन्ट मतलब ताने मारना, कॉडिक मतलब क्या होता है, कॉडिक का मतलब है कायरता, यहां मैं आपके लिए लिख देता हूं का यह कायरता लिख देता हूं मैं आपके लिए कायरता। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, देखिए प्लेट्यू, प्लेट्यू मतलब होता है पठार। आगे देखिए पठार के बाद में कौन सा मीनिंग रहता है, देखिए मिडवे मतलब बीचों बीच, मिडवे मतलब बीच में, बीच में। देखिए आगे क्या लिखा है, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, आकाश में अब सूरज ऊपर चढ़ रहा था, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उसकी लेज को क्या कर रहा था, गर्म कर रहा था। ब्लेजिंग मतलब होता है गर्म करना, जैसे जैसे सूरज ऊपर उठता है तो क्या होता है, गर्मी बढ़ने लग जाती है। दैट फेस द साउथ, जिसका मुंह किसकी तरफ था, साउथ की तरफ था, दक्षिण की तरफ था। ठीक है, कौन सी चट्टान, जिस चट्टान के ऊपर वह सीगल बैठा हुआ था, अकेला है। ठीक है, फेस का मतलब है सामने, यहां इसका अर्थ है सामने। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा है, He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसे गर्मी महसूस हुई, क्या महसूस हुई, गर्मी, हीट का अर्थ होता है गर्मी, यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए गर्मी, और यहां पे देखिए दोबारा मैं लिखता हूं गर्मी, और देखिए आगे कौन सा वर्ड रह गया हमारा,
प्रीवियस यानी पिछली, प्रीवियस का मतलब है पिछली या पिछला, एक ही बात है। यहां पर नाइटफॉल मतलब जब शाम हो गई थी, तो पिछली शाम से उसने कुछ भी नहीं खाया था और इसी वजह से उसे क्या महसूस हो रही थी, गर्मी लग रही थी, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वह धीरे धीरे उस चट्टान के किनारे तक आगे बढ़ा, यानी कि कदम को बढ़ाया। स्टेप मतलब कदम बढ़ाना, यहां मैं लिख देता हूं कदम बढ़ाना। आगे देखिए क्या लिखा है, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और वह इस प्रकार से खड़ा हुआ कि उसने अपने एक पैर को अपने पंखों के अंदर छुपा लिया, यानी एक पैर पर खड़ा है, एक पैर को उसने पंखों में छुपा लिया है। ठीक है, आगे देखिए, He closed one eye, उसने एक आंख को क्या कर लिया है, बंद कर लिया है, अपनी एक आंख उसने बंद कर रखी है, और अपने एक पंख को अपने एक पैर को अपने पंखों में क्या कर रखा है, छुपा रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं पैराग्राफ क्या है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया। अब देखिए आगे हम लोग अगले पैराग्राफ में बढ़ते हैं, क्या लिखा है वहां पे देखिए, देन द अदर, और तब उसने दूसरी आंख भी बंद कर ली है। ठीक है, अब आगे क्या होता है देखो, आगे लिखा है एंड प्रिटेंडेड, और नाटक किया, दिखावा किया, किस चीज का, टू बी फॉलिंग एस्लीप, जैसे कि उसे नींद आ गई है। प्रिटेंडेड मतलब होता है नाटक करना या दिखावा करना। ठीक है, यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं दिखावा करना। ठीक है, स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन्होंने उसके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया, किन्होंने, उसके माता पिता और बहनों भाइयों ने। He saw his two brothers and his sister laying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसने देखा अपने दोनों भाइयों और अपनी बहन को कि वह उस पठार के ऊपर अपनी अपनी गर्दनों को क्या कर रहे हैं, अपने सिरों को अपनी गर्दन में धसा के वह क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, ऊंग रहे हैं। डॉजिंग मतलब होता है नींद लेना, ठीक है, नींद लेना, हल्की झपकी लेना। ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं, वह सो रहे हैं सामने वाले पठार पर, वो देख रहा है उनकी एक्टिविटीज को। हिज फादर वॉज पिनिंग द फेदर्स ऑन हिज व्हाइट बैक, और वह और उसका पिता जो है वह क्या कर रहा है, अपनी सफेद पीठ के ऊपर के पंखों को क्या कर रहा है, ठीक कर रहा है, व्यवस्थित कर रहा है। प्रीनिंग मतलब क्या होता है, व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना, या हम लोग कह सकते हैं संवारना। वो क्या कर रहा है, तो संवार रहा है अपने पंखों से, अपने पंखों को संवार रहा है। Only his mother was looking at him. केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। She was standing on a little high hump off on the plateau. वह उस पठार के एक छोटे से उभार, हम्प का मतलब होता है उभार, उभार, उभार पर खड़ी हुई थी। Her white breast thrust forward. उसका सफेद सीना आगे की तरफ झुका हुआ था, निकला हुआ था। Now and then she tore at a piece of fish that lay at her feet. रह रहकर वह अपने पैरों में पड़ी हुई मछली को क्या करती थी, तोड़ती थी। tore मतलब क्या होता है, तोड़ना, यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए तोड़ना। आगे देखिए क्या होता है, and then scrap each side of her beak on the rock. और तब अपनी चोंच के दोनों सिरों को क्या करती है, चट्टान के ऊपर रगड़ती थी। स्क्रैप मतलब होता है रगड़ना, रगड़ना, रगड़ कर तेज कर लेना। क्या कर रही थी वो, धार लगा रही थी वही, है ना, यानी बार बार चट्टान के ऊपर चोंच को रगड़ती और उससे क्या हो जाता था, उसकी धार लग रही थी, तेज हो रही थी। बीक का मतलब होता है चोंच। आगे देखिए, द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, खाने की झलक ने उसे पागल कर दिया। साइट मतलब होता है झलक या दृश्य, दृश्य, ठीक है। मैडन मतलब पागल करना, पागल बना दिया, पागल बनाना। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है,
हाउ ही लव टू टियर फूड दैट वे, उसे इस प्रकार से खाने को तोड़ना यानी मछली के टुकड़े टुकड़े करना कितना पसंद था. स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, बार बार अपनी चोंच को रगड़ना और इसको धार लगाना. वेट का मतलब होता है धार लगाना, धार लगाना. यहां पर लिखा है मैंने आपके लिए इसका मीनिंग को. नेक्स्ट देखिए, गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, उसने अपनी मां से कुछ खाने का विनती करते हुए कहा. गा 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 यानी उनकी भाषा आई है ना, पक्षी बोल रहे हैं. आगे देखिए, गा कॉल आ शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, उसने उसे फटकारते हुए यानी कि थोड़ा सा उसकी मूर्खता के ऊपर डांटते हुए वापस से कहा गा कॉलवा, यानी कि उनकी क्या है ये, क्या है उनकी भाषा. स्क्रीम मतलब चिल्लाना, ठीक है, चीखना या चिल्लाना, ठीक है. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, डेरिसिवली, डेरिसिवली मतलब मूर्खता पर, ठीक है, मूर्खतापूर्ण व्यवहार जो कर रहा था वह उसके ऊपर. बट ही कैप्ट कॉलिंग पेशेंटली, परंतु उसने अधीरता से कहना जारी रखा, मतलब बोलता रहा, विनती करता रहा. एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और एक पल के बाद, एक ही पल के बाद क्या हुआ, उसने एक खुशी से चीख भरी, ठीक है. अटर मतलब होता है निकालना, ठीक है, क्या होगी उसकी चीख को, निकाला है उसने, निकालना, ठीक है. जैसे जोर से कोई किसी को देख कर क्या करे, चीख पड़े तो उसे क्या करेंगे, अटर, ठीक है. जॉयफुल मतलब खुशी, यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए खुशी, और स्क्रीम का मतलब है चीखना, जैसे मैंने आपके लिए पहले भी लिखा हुआ है, चीखना या चिल्लाना. आगे देखिए क्या लिखा है, यहां पर आगे लिखा है, हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, उसकी मां ने मछली का एक टुकड़ा उठाया. एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और इसे लेकर उसकी तरफ उड़ गई. किसकी तरफ उड़ गई, उस सीगल की तरफ उड़ गई, ठीक है. नोट कीजिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेंजा, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या लिखा है और क्या बताया गया है, ठीक है. फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके पैराग्राफ पे, क्या लिखा है वहां पर देखिए. ही लीन आउट, लीन का मतलब होता है झुकना, लीन का अर्थ है झुकना, ठीक है. आगे देखिए, ईगरली यानी कि उत्सुकता से, वह जो सीगल था वह बड़ी उत्सुकता से आगे की तरफ क्या हो गया है, झुक गया है. उत्सुकता किस चीज की है, उसकी मां उसके लिए मछली का टुकड़ा लेकर आ रही है. टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और अपने पैरों से उस चट्टान के ऊपर टैप करने लगा. क्या करने लगा है, पैरों को मारना, ठीक है, टैप करना, पैर पटकना हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, पैर पटकना. आगे देखिए क्या लिखा है, ट्राइंग टू गेट नियर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और कोशिश करने लगा कि जब वह उसके पास उड़कर आए तो उसके और अधिक पास में पहुंच सके. बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वह ठीक उसके सामने ही थी. अपोजिट का क्या है, सामने, ठीक है, यहां अपोजिट का मतलब है सामने, ठीक है. आगे देखिए, शी हॉल्टेड, वह रुक गई, हॉल्टेड मतलब रुक गई, यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए रुक गई. आगे देखिए, हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख क्या हो गए, मोशनलेस हो गए यानी स्थिर हो गए, उनमें किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं हुई. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और जो उसकी मां की चोंच के अंदर मछली का टुकड़ा था वो लगभग उसकी चोंच के पहुंच में, किसकी, सीगल की, जो कि कहां पर है, चट्टान पर है, उसकी चोंच के पहुंच में ही था. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, आश्चर्य से वह एक पल के लिए वेट करता रहा. सरप्राइज आश्चर्य, ठीक है. आगे देखें, वेटेड मतलब प्रतीक्षा करना, ठीक है. आगे देखिए,
wondering why she did not come nearer, और सोचने लगा, क्या सोचने लगा कि वो पास क्यों नहीं आ रही है, माँ जो है वो पास में क्यों नहीं आ रही है. एंड देन मैडेंड बाय हंगर, और तब भूख से पागल हुए. हंगर मतलब होता है भूख, ठीक है, मैडेंड का ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है. ही डाइव्ड, वह कूद पड़ा एट द फिश, कहा मछली की तरफ. डाइव मतलब कूद जाना या गोता लगा देना, ठीक है, मछली को पकड़ने के लिए क्या हो गया, गोता लगा दिया. विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, एक तेज चीख के साथ वह अंदर बाहर उस स्थान पर गिरने लगा, नीचे गिरने लगा, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, ठीक है, ऊपर इस प्रकार से वह गिरने लगा है. फेल का अर्थ होता है गिरना, ठीक है. नेक्स्ट देखिए आगे, देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, और तब एक दैत्यकार आतंक ने उसे जकड़ लिया. मॉन्स्ट्रस मतलब होता है दैत्यकार, यहां मैं लिखता हूं आपके लिए दैत्यकार, यहां इसका अर्थ हुआ बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा. टेरर मतलब आतंक, ठीक है. आगे देखिए क्या लिखा है, सीज्ड मतलब जकड़ लेना, जकड़ लेना. आगे देखो क्या लिखा है, एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल क्या हो गया, स्टूड हो गया. स्टूड का मतलब यहां खड़ा नहीं है बल्कि क्या है, स्थिर हो गया, यानी एक पल के लिए उसका दिल क्या हो गया है, धड़कना बंद कर दिया है. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, परंतु यह एक पल के लिए ही रहा, मतलब थोड़ी ही देर का लिए ऐसी स्थिति बनी रही. नेक्स्ट लाइन में, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके पंख क्या हो गए, बाहर की तरफ फैल गए हैं. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और हवा जो थी वह उसके सीने और उसके पंखों में से होकर बहने लगी. देन अंडर हिज स्टमक, और तब उसके पेट में से होकर बहने लगी. एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों, और उसके पंखों के विरुद्ध बहने लगी. विरुद्ध का अर्थ क्या है, उसके हवा में पंख क्या हो रहे हैं, उड़ रहे हैं, वह उड़ने लगा था. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वह महसूस कर सकता था कि उसके पंखों के छोर, टिप्स का मतलब क्या है, छोर, ठीक है, किनारे हम कहते हैं, कटिंग मतलब काट रहे थे, कटिंग का मतलब है काटना, यहां पे मैं आपके लिए लिख देता हूं काटना, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, he was not falling headlong now, अब वह नीचे की तरफ नहीं गिर रहा था. headlong, headlong मतलब होता है बिना सोचे, या यूं कहें कि बिना किसी दिशा के, ठीक है, दिशाहीन, ऐसे लिख देता हूं मैं यहां आपके लिए, दिशाहीन. आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, He was no longer afraid, अब उसे डर नहीं लग रहा था. He just felt a bit dizzy, उसे थोड़ा सा चक्कर आ रहा था. Dizzy मतलब चक्कर आना, ठीक है, चक्कर आना, यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए. देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ताकि हम लोग नेक्स्ट पेज के ऊपर आ सके और आपको बताया जा सके. फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि ये सारे मीनिंग्स आप अपने नोटबुक में कॉपी कर सके, ठीक है. चलिए देखिए आगे क्या लिखा है, आगे देखिए लिखा है यहां पर, देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, और तब उसने एक बार अपने पंखों को फड़फड़ाया. एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और वह ऊपर की तरफ उड़ गया. सोर्ड का मतलब होता है ऊंचा उड़ना, ऊंचा उड़ना. नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, गा 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 कौलवा, हिज मदर सूप पास्ट हिम, अब ये उनकी भाषा, यानी कौवे जो है समुद्री काक है वो बोल रहे हैं आपस में, और उसकी मां ठीक उसके पास में से होकर गुजरी. यहां लिखा है सूप, ये क्या है, उड़ने की एक कला है, जब पक्षी क्या करता है, तिरछा होकर उड़ता है, उड़ने की एक कला है. आगे देखिए, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, और उसके पंख एक तेज आवाज कर रहे थे. ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, एक और चीख के साथ उसने उसे जवाब दिया. किसने जवाब दिया है, उस छोटे सीगल ने अपनी मां को जवाब दिया है. आगे देखो, देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और तब उसका पिता उसके पास से
चिल्लाता हुआ उड़ने लगा है। ठीक है, अभी तक माँ ही उड़ रही थी, अब कौन आ गया है? पिता भी आ गया है। He saw his two brothers and his sister flying around him, curvetting and banking and soaring and diving. और उसने अपने दोनों भाइयों और अपनी बहनों को अपने चारों तरफ उड़ते हुए, घूमते हुए और टेढ़ा होकर उड़ते हुए देखा और उन्हें गोता लगाते हुए भी देखा। ये देखिए यहाँ पर कर्वेटिंग, बैंकिंग, सोरिंग, ये सब क्या है? ये उड़ने की कला से संबंधित है। सोरिंग का ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, ऊंचा उड़ना। कर्वेटिंग का मतलब है एक घोड़े के समान उड़ना। घोड़ा थोड़ी उड़ता है भाई, यानी कि वो टेढ़ा होके उड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? कर्वेटिंग। और बैंकिंग क्या होता है? एक पंख ऊंचा करके और दूसरा पंख नीचा करके उड़ना। ठीक है, इस तरह ये उड़ने की कलाएं हैं। आगे देखिए, देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। और तब वह इस बात को पूरी तरह से भूल गया। फॉरगॉट मतलब भूल गया, यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं भूलना। फॉरगेट मतलब होता है भूलना, और इसकी ये सेकंड फॉर्म है कि वह उड़ने में असक्षम था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर श्रीकिंग श्रीली। और तब वह अपने आप के ऊपर डाइव करने यानी गोता लगाने, ऊंचा उड़ने, ठीक है, और कर्व यानी कि एक पंख ऊपर और एक पंख नीचे करते हुए उड़ने में कमांड देने लगा, यानी अपने आप को पूर्ण करने लगा, सिद्ध हस्त करने लगा। और कैसे? श्रीकिंग श्रीली। श्रीकिंग मतलब चिल्लाना, चीखना, श्रीली ठीक है, जोर से चिल्लाना। वहां पे ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह समुद्र के पास में था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, यह ठीक उसके ऊपर उड़ रहा था, यानी समुद्र के ठीक, समुद्र कहां था? नीचे, और ये इसके ऊपर उड़ रहा है। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और इसके ठीक सामने क्या था भाई? ओशन था। ओशन मतलब होता है समुद्र। आगे देखिए क्या लिखा है। स्ट्रेट मतलब सीधा, सीधा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। He saw a vast green sea beneath him. उसने अपने नीचे एक बड़ा समुद्र देखा, नीचे बड़ा और हरा। Vast मतलब होता है विशाल या बड़ा, यहां मैं लिख देता हूं। और ग्रीन का मतलब तो आपको पता है हरा, ठीक है। बीनीथ का मतलब है नीचे, यहां पर लिख देता हूं मैं आपके लिए नीचे। नेक्स्ट देखिए, विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बैक साइडवेज एंड कॉर्ड अम्यूज्डली। और उसके नीचे कुछ छोटी दरारें थी। कहां थी दरारें? उस समुद्र के अंदर जो चट्टाने थी उसमें क्या थी? दरारें थी। और वह और उसने अपनी गर्दन को साइड में किया, मतलब गर्दन को इधर उधर उसने क्या किया है? हिलाया है। और बड़ी खुशी से क्या करने लगा है? काव, यानी काव काव की आवाज निकालने लगा है, उसके चिल्लाने की, पक्षी के चिल्लाने की आवाज। अम्यूजली मतलब खुशी से, यहां मैं आपके लिए लिख देता हूं इसे, खुशी से वो क्या करने लगा है? चीखने लगा है खुशी से। ठीक है, देखिए बाकी क्या होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट को देखें हम लोग, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसके मीनिंग्स को लिख पाए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है, हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। उसके माता पिता, पेरेंट्स माता पिता, और उसके भाई बहन उससे पहले इस हरी हरी कालीन के ऊपर उतर गए थे। ठीक है, यहां क्या लिखा है? फ्लोरिंग। फ्लोरिंग मतलब कैसा है वो पानी? कैसा है भाई? हरा है, तो उसको कह रहा है फ्लोरिंग कह रहा है। वैसे फ्लोरिंग का मतलब क्या होता है? फ्लोरिंग का मतलब होता है दरी, ठीक है, या यूं कहें कि जो कालीन है, कालीन को भी हम लोग फ्लोरिंग कह देते हैं। वैसे तो सतह होता है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर हरी वेजिटेशन है, हरी पत्तियां तैर रही हैं समुद्र में, इसलिए इसको यहां पर ऐसा कहा गया है। दे वर बिकॉनिंग टू हिम, वे उसे डांट रहे थे, कॉलिंग श्रीली, और उसे क्या कर रहे थे? डपट रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपने पैरों को उस हरे समुद्र पर उतरने के लिए क्या कर दिया है? नीचे लटका दिया है। ड्रॉप मतलब होता है लटका देना, लटका देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। हिज लेज
His legs sank into it. उसके पैर क्या हो गए हैं? उसके अंदर डूब गए. Sank मतलब होता है डूबना, ठीक है. Sink होता है सेकेंड फॉर्म में, sank डूबा, ठीक है. यानी उसके पैर कैसे हो गए? पानी के अंदर डूब गए. उसके माता पिता और भाई बहन पहले से ही पानी में उतर चुके हैं, लेकिन अभी वो उड़ रहा है और नीचे धीरे धीरे जब वो आता है तो वो क्या करते हैं? उसे डांटते हैं, फटकारते हैं. और अब जब जैसे ही पानी में आता है तो क्या होता है? उसके पैर पानी में डूब जाते हैं. नेक्स्ट, ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट. वह डर के मारे चीखता है. फ्राइट का मतलब होता है डरना, ठीक है. आगे देखिए क्या लिखा है. एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स. और फिर से अपने पंखों को फड़फड़ाकर ऊपर उठने का प्रयास करता है. अटेम्प्टेड मतलब होता है प्रयास, प्रयास करना. नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है. एक और यहां पर वर्ड है, वो है राइज, मतलब उठना, ठीक है. वैसे तो राइज का मतलब उगना भी होता है. सूरज क्या होता है? उगता है. लेकिन यह पक्षी क्या कर रहा है? वापस से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है. बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थका हुआ था. एंड वीक, और कमजोर था. विद हंगर, और कैसे? भूख से. टायर्ड मतलब थका, थका हुआ. यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए, थका हुआ, ठीक है. और वीक मतलब कमजोर, कमजोर, ठीक है. कैसे थे? भूख से कमजोर हो गया था. एंड ही कुड नॉट राइज, और इसलिए वह उठ नहीं सका. और एक्सॉस्टेड यानी कि क्या था? थका हुआ था. वापस एक्सॉस्टेड मतलब होता है थका होना. मैंने यहां आपके लिए लिख दिया, वैसे ये इसका अर्थ सेम है, ठीक है. नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए और अगला पेज पर आते हैं हम लोग. फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और देखें. अगले पेज पर आते हैं हम लोग. लिखा है बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, उस विचित्र एक्सरसाइज से क्या हो गया था? वो थक गया था. हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर उस हरे समुद्र के अंदर डूब गए. एंड देन हिज बैली टच्ड इट, और तब उसके पेट ने, बैली मतलब होता है पेट, यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं बैली, बैली का मतलब होता है पेट. और टच मतलब क्या होता है? छुआ, छुआ, ठीक है. उसके पेट ने उस पानी को छुआ, समुद्र को छुआ. एंड ही सैंक नो फर्दर, और वह और अधिक नहीं डूबा, ठीक है. नो फर्दर मतलब होता है और अधिक, ठीक है. और अधिक, यहां पर मैं आपके लिए इसका मीनिंग लिख रहा हूं. नेक्स्ट देखिए, ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह इसके ऊपर तैर रहा था. फ्लोट का मतलब होता है तैरना, तैरना. देखिए आगे क्या लिखा है. एंड राउंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम, और उसके चारों तरफ उसका परिवार क्या कर रहा था? चीख रहा था. और प्रेजिंग मतलब प्रशंसा, यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए, प्रशंसा कर रहा था, ठीक है. एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी चोंचे, किनके? माता पिता भाई और बहन की चोंचे उसके लिए डॉग फिश को टुकड़े प्रस्तुत कर रही थी. ऑफरिंग मतलब होता है देना या प्रस्तुत करना, ठीक है, प्रस्तुत करना. और स्क्रैप्स का मतलब होता है टुकड़े, यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए टुकड़े, ठीक है. आगे देखिए यहां क्या लिखा है. डॉग फिश एक प्रकार की मछली का नाम है भैया, ठीक है. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली उड़ान को पूरा कर लिया था. स्टूडेंट्स फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके नियम, इनके मीनिंग्स को आप नोट कर लीजिए. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पहला भाग, हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस चैप्टर का. और आज की वीडियो में हम इतना ही आपके सामने लेकर आए हैं. नेक्स्ट वीडियो में इसका जो दूसरा पार्ट है उसको हम लेकर आएंगे, और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स और उनके अर्थ को भी हम आपके लिए लेकर आएंगे. तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और इसी प्रकार से इस चैनल को देखते और सब्सक्राइब करते रहिए. थैंक यू वेरी मच.